राजस्थान के सीकर जिले का कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहर, जिसकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने आज से करीब एक हफ्ते पहले उसी के घर में गोलियों से भून डाला और वो मारा गया। लेकिन क्या आपको पता है कि राजू ठेहर जुर्म के दुनिया से कमाकर कितनी अकोच संपत्तियां खड़ी कर चुका है। अगर आप राजू ठेहर के पैसों और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि राजू ठेहर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का मालिक था। लेकिन उसके अरबों की संपत्ति का अब क्या होगा, यही बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजू ठेहर, जिसने साल 1995 में अवैध शराब बेचने का काम शुरू किया, उस वक्त राजू ठेहर के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन बहुत ही कम समय में उसने अपराध के सहारे पैसों का अंबार लगा दिया। अगर राजू ठेहर हत्याकांड के केस के अपडेट के बारे में आपसे पहले बताएं तो इस मामले में पुलिस अब तक 5 मुख्य आरोपियों के अलावा अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इन सभी से पुलिस की पूछताछ चल रही है। दूसरी तरफ राजू ठेहर का परिवार उसकी अस्थियों के विसर्जन के लिए हरिद्वार गया है। दुनिया की नजरों में गैंगस्टर के नाम से अपनी पहचान रखने वाला राजू ठेहर केवल एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति का मालिक है। मौत के बाद इसके बारे में पुलिस पता लगा रही है। दरअसल सीकर जिले में राजू ठेहर के पास लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए के 3 मकान, करीब 50 से 70 करोड़ रुपए की जमीनें, इसके अलावा राजधानी जयपुर में भी लगभग 10 करोड़ के आसपास के मकान और संपत्ति हैं। भले राजू ठेहर ने ये संपत्तियां अपने परिवार के लोगों या फिर अन्य किसी के नाम पर की हुई हो, लेकिन अक्सर राजू ठेहर को इन प्रॉपर्टी के ऊपर देखा जा चुका है। सबसे लेटेस्ट प्रॉपर्टी राजू ठेहर ने जयपुर के महेश नगर में खरीदी थी। यहां ठेहर ने 3 से 4 करोड़ रुपए का एक मकान बीजेपी के नेता प्रेम सिंह बाजौर से खरीदा था। वहीं राजू ठेहर पिछले करीब 1.5 साल से अपराध की दुनिया को छोड़कर एक बिजनेसमैन और नेता बनने की राह पर था। 1.5 सालों में ही गैंगस्टर राजू ठेहर ने अपना व्यापार हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में कर लिया। इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कंस्ट्रक्शन समेत कई धंधे शामिल है। इसके अलावा राजू ठेहर सीकर और हरियाणा के माइंस के व्यापार में भी जुड़ा हुआ था। इनमें कुछ काम राजू ठेहर तो कुछ काम राजू का बड़ा भाई हरलाल देखा करता था। इस पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब राजू ठेहर के अंतिम संस्कार में हरियाणा और गुजरात के कई व्यापारी भी शामिल होने के लिए आए थे। बहरहाल इस पूरी संपत्ति की जानकारी राजू ठेहर के परिवार को भी है, ऐसा कहा जा रहा है। जानकारों की माने तो राजू ठेहर का परिवार इन संपत्तियों को कानूनी तौर पर अपने नाम करवाने की कोशिश भी करने वाला है। तो राजू ठेहर के अरबों की संपत्ति को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।